Will do what they have to do. Their aim is not to harass. We'll have to ask a few questions. It seems to be a suicide case, but as you're here, and since you've helped us solve so many other cases, I hope I can ask you to keep your ears and eyes open. I'll try and do my best. Thank you. Thank you. बस राय साहब, अब चलिए यहाँ से। ऐसे वक्त में तराना को अकेले छोड़कर? किसी और की फिक्र है भी या नहीं आपको? हमानत ने तराना की वजह से खुदकुशी की और आपको उसी की फिक्र है? ओहो, कम से कम वक्त की नजाकत को तो ख्याल करो। भगवान के लिए राय साहब, मुझ पर तरस खाइए और प्लीज चलिए यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से निकलना इतना आसान होगा। क्यों? पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है। कार्रवाई? कैसी कार्रवाई? ये तो एक हादसा है। जी, यही साबित करने के लिए कि एक हादसा है। पुलिस शायद आप सबसे कोई सवालात पूछना चाहे। सवालात? पर ये तो साफ जाहिर है कि अमानत ने तराना की खुदकर्जी में आकर खुदकुशी कर ली। वैसे भी इस औरत के साथ जिंदा रह भी कौन सकता है? प्लीज क्या कर रही हो तुम? अमानत की हिम्मत की तो दाद देती हूँ मैं, जिसने तराने के साथ इतने बरस बिताए। जनकार तुम राय साहब तराना जी और झंकार जी में हमेशा अनबन रहती है। उन्हें लगता है कि राय साहब और बड़ी माँ पर, सच बात तो यह है कि उनका शक बेबुनियाद भी नहीं है। क्या मतलब? यही कि राय साहब बड़ी माँ से सचमुच मोहब्बत करते थे, उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन बड़ी माँ, कहानी इतनी सीधी नहीं है मदन। जनकार जी राय साहब के स्टूडियो में जूनियर आर्टिस्ट थी और राय साहब अय्याश आदमी थे। ना जाने कितनी जुल्फें उनके कंधों पर मेहरबान हुई, लेकिन झंकार उनसे उलझ गए। उसने राय साहब से कहा कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। पर राय साहब की तो कोई औलाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ नाटक था, कुछ लोग कहते हैं जनकार ने बच्चा गिरा दिया। फिर जनकार ने धमकी दी थी कि वो अखबार वालों को सब कुछ बता देगी और राय साहब अपने ही जाल में फंस गए। पर देविका, सच जानने के बाद राय साहब ने कुछ किया नहीं। क्या करते, शादी तो हो चुकी थी। कुछ भी करते मजाक तो खुद उनका ही बनता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जनकार। जनकार सिर्फ दौलत से प्यार करती है, लेकिन कोई था जो राय साहब को भी चाहता था। कौन? छोटी माँ। छोटी माँ? ये बात तुमसे किसने कही? किसी ने नहीं। कुछ बातें हमें यूं ही पता चल जाती हैं। एक बार मैंने झनकार जी और छोटी माँ को लड़ते हुए देखा था। तरस आती है तुम पर। कम से कम मेरे घर में तो अपनी हद का ख्याल रखो। हाँ। ये घर तुम्हारा कब से हो गया अमानत? तमाम उम्र दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली अपना घर होने का रौब दिखाती है। इस घर के बाहर तुम्हारा नहीं तराना का नाम लिखा है। एहसान फरामोश, तू है क्या? राय साहब की रख है, बीवी हूं उनकी कानूनन। राय साहब तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे, मेरी वजह से। किसे चाहते हैं राय साहब किसे नहीं, तुम्हें बहुत खबर है। मुझे मालूम है कि राय साहब का किससे क्या रिश्ता है, लेकिन ख्याल रहे अब राय साहब मेरे शौहर हैं, और अगर किसी ने भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो उस रात। मत जाओ ना तराना, तुम कोई गली कूचे की नहीं, इस मुल्क की मशहूर अदाकारा हो। तुम्हें कोई ऐरा गहरा अवार्ड नहीं लेना चाहिए। लोग हमारी इज्जत तब करते जब हम अपनी इज्जत खुद करते हैं। मत जाओ ना। तू आराम कर। तराना मत जा, तराना मत जा, तराना, तराना मत जा, तराना, तराना मत जा। अमानत, 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 अमानत। करीब एक घंटे के बाद जब अमानत सो गई और मैं जाने लगी तो मेरा ध्यान दवाई की ओर गया। मैंने देखा जल्दी जल्दी में मैंने उसे गलत दवा दे दी थी, पेट दर्द की दवा, और उससे वो ठीक हो गई। मैंने घबराकर डॉक्टर को फोन किया। उस दिन मुझे पता चला अमानत को कोई बीमारी नहीं थी, ये सब एक नाटक था। उसे सिर्फ मीठी गोलियां यानी प्लेसिबो दी जाती थी। उस रात मैं अवार्ड फंक्शन नहीं जा सकी। Yes, Sergeant Williams, please. Thank you. देविका को गोद लेने के 6 महीने पहले तराना कहीं गायब हो चुकी थी, और जब वो लौटी तो बच्ची के साथ। इस बच्ची का राज। लेकिन एक दिन मैंने अमानत और तराना को लड़ते हुए देखा था। ओके देविका, चली जा, मेरे साथ खेलोगी? देखा जा, तू देखा जा। मैं हूँ कौन? तुम्हारी बेदाम नौकरानी? तुम्हारे सब पाप हमेशा छुपा के रखे मैंने। किसी दिन मुंह खोल दिया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी, समझी? सबके सामने सच आई जाना चाहिए, सबसे पहले देविका के सामने। उससे पीछे मत ला, वो हमारी बच्ची है। हमारी? हमारी नहीं है, तेरी है, तेरी बच्ची है। अपने दिल में मैंने एक राज छुपा के रखा है, कभी किसी को पता चल गया ना तो तराना, तराना नहीं देगी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया? गुड़िया टूट गई। छोटी माँ के होते हुए गुड़िया टूटेगी नहीं, अब भी ठीक कर देते। चल। कुछ तो था जो अमानत जानती थी और जिससे तराना बंधी हुई थी। आपने जानने की कोशिश नहीं की? की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। एक बार किसी झगड़े में तराना ने सचमुच अमानत को घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैंने उसे बना दी। किधर जाऊं? सब ठीक हो जाएगा अमानत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। तभी मैंने उसे बहुत पूछने की कोशिश की थी, मगर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर अमानत जी घर कैसे आई? वो तराना उसे खुद लेने आई थी। ड्रामी पास। मेरी बहन। हम सब एक दूसरे के राज और झूठ से बंधे हुए हैं। सवालों के जवाब ना ही कोई मांग रहा था और ना ही कोई देना चाहता था, और आज बेचारी अमानत हमारे बीच नहीं रही। Excuse me, sir. There's a phone call for you. Right. I'll be there. Thank you. शायद अब हमारी उलझने सुलझ जाएं और आप घर जा सकें। Excuse me. Hello. Yes. Yes. Thank you. पुलिस का फोन था। बॉडी कब मिलेगी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अमानत जी का कत्ल हुआ है। क्या?